हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मेरे पास कोई भी रिव्यू वीडियो नहीं है, मेकअप वीडियो नहीं है, व्लॉग नहीं है। रीजन ये कि मतलब इतनी ज्यादा आप लोगों ने नेगेटिविटी फैला रखी है मेरे सिर्फ एक सिंगल वीडियो पे। मतलब मैंने एक वीडियो क्या बना दिया अपने किसी यूट्यूबर के लिए जिसे मैं पसंद करती हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है, अगर मैंने उसकी सपोर्ट में एक वीडियो बना दिया तो उसमें से आप लोगों को पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई। और मैंने एक चीज नोटिस की है कि अगर एक दो बंदे ने या बंदी ने किसी ने भी थोड़ा बहुत कुछ नेगेटिविटी फैलाई ना, तो उसको पढ़ के मतलब लोगों को वीडियो देखने में इतना इंटरेस्ट नहीं होता ना, लोगों को ये इंटरेस्ट है कि भाई तुम क्या बोल रही हो वीडियो में, कुछ उसे सुन लो कि मैं क्या बोल रही हूँ वीडियो में। उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस देखा और लगे पड़े हैं नेगेटिविटी फैलाने में। यार आप लोगों को क्या मिल जाता है नेगेटिविटी फैलाने में, एक बात बताओ। मैंने क्या गलत कर दिया? मैंने एक यूट्यूबर के लिए अपने चैनल पे एक वीडियो बनाया जो कि मेरा पर्सनल ओपिनियन था। अगर आप लोगों को इतनी ही प्रॉब्लम है तो आप वीडियो मत देखा करो ना, आपके यूट्यूब पेज पे आ रहा आप मत देखो, स्किप करते जाओ। मैं तो आपको फोर्स नहीं कर रही, बट अगर आप देख रहे हो ना तो प्लीज ऐसी नेगेटिविटी मत फैलाओ, क्योंकि मैंने उस वीडियो में कुछ भी गलत नहीं कहा, ना किसी और के लिए ना किसी और के लिए। बट पता है प्रॉब्लम क्या है? आप लोग क्या करते हो, जो बात मैंने अपने वीडियो में कही है ना, अगर वही बात कोई बड़ा यूट्यूबर कहता तो आप लोग पता है क्या बोलते? उसका कमेंट बॉक्स चेक करना, आप लोग बोलते हाँ आप सही कह रही हो, ऐसा नहीं करना चाहिए लोगों को, आप बिल्कुल सही कह रही हो। और वही बात अगर मैंने किसी यूट्यूबर के लिए सेम बात मैंने बोल दी, लेकिन मैं क्या, मैं तो छोटी यूट्यूबर हूँ। छोटे जो यूट्यूबर होते हैं उनमें ना तो इमोशंस होते हैं, ना तो फीलिंग्स होती हैं, ना इंसानियत होती है। वो क्या करते हैं? वो सिर्फ व्यूज पाने के लिए ये सब करते हैं। तो जिसको ये लगता है कि मैंने व्यूज पाने के लिए वो वीडियो बनाया तो वो सोचता रहे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। मतलब हम छोटे हैं और हाँ हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है, हमें तो व्यूज चाहिए तो हम तो वीडियो बनाएंगे, लेकिन हम उसको पसंद करते हैं वो चीज आपको नहीं दिख रही है। वही सेम बात अगर किसी बड़े यूट्यूबर ने कह दी वो एकदम सही है। आप लोग खुद यार एक छोटे यूट्यूबर और एक बड़े यूट्यूबर में पहले तो आप लोग ये पार्शियलिटी करना बंद करो, ठीक है ना। और जो यहाँ वहां आके नेगेटिविटी फैलाते हो ना, वो नेगेटिविटी फैलाना भी बंद करो। मतलब मुझे समझ में नहीं आता, मैंने वीडियो बना दिया, चलो आप लोग बोल रहे हो जैसे आप अपनी राय रख रहे हैं, वैसे मैंने अपनी राय रख दी। मैंने उसमें कुछ गलत नहीं बोला, उस वीडियो में जो मुझे लगा वो मैंने बोला। कमेंट आप क्या करते हो? एक मैडम है, मुझे नाम नहीं पता उनका, अभी तो बीच में अभी क्या हो गया था, आज नहीं कल की बात है, मतलब इतनी ज्यादा अति हो गई थी ना नेगेटिविटी की, बैड कमेंट्स की, कि मैंने वो कमेंट बॉक्स ही डिसेबल्ड कर दिया। फिर मुझे लगा मैं क्यों यार डिसेबल्ड करूं, इसे ऑन ही रहने दो, एटलीस्ट पता तो चले कि लोगों की सोच क्या है। मतलब खुद एक लड़की हो के दूसरी लड़की के लिए आप इस तरह से बात करते हो, बात करने का भी एक तरीका होता है, ठीक है। अगर आपको कुछ बोलना ही है तो आप उस एक चीज बैनर से भी लिख सकते हो, लेकिन नहीं शायद आपको वो आती नहीं है। तो एक मैडम क्या लिखती है कि तू कौन सी अच्छी यूट्यूबर है, तू पहले अपने आप को देख, घटिया कहेंगी। तो मुझे आप बताओ मैंने ऐसा क्या कर दिया जो मैं आपको घटिया लगने लगी? आपने बस एक वीडियो से मुझे जज कर लिया, आपने एक वीडियो से मुझे जज कर लिया। और कुछ लिखते हैं, इसे कहते हैं बहती गंगा में हाथ धोना, क्योंकि हम छोटे यूट्यूबर हैं, हमें तो व्यूज चाहिए हैं, तो बहती गंगा में हम हाथ धो रहे हैं। तो मैडम ये आपकी सोच है, आपको जो सोचना है वो आप सोच सकती हो, लेकिन बड़ा यूट्यूबर वो करेगा अगर, तो आप लोग उसे जाके नहीं बोलोगे कि इसे कहते हैं बहती गंगा में हाथ धोना, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी ढेरों सारे सब्सक्राइबर है, ढेरों सारे व्यूज आते हैं, बट वो अच्छे हैं अगर वो किसी के बारे में बोल दें। छोटा यूट्यूबर नहीं बोल सकता है किसी बड़े यूट्यूबर के बारे में, बड़ा यूट्यूबर लेकिन बोल सकता है, वो गलत नहीं है। तो ये आप लोगों की मेंटेलिटी है, सबकी नहीं, बट जो नेगेटिव लोग होते हैं जिनका माइंड जो है ना, माइंड में नेगेटिविटी भरी है और उनका जो दिमाग है ना वो उनके घुटनों में है, तो वो ये सारी चीजें बोलते हैं। और एक मैडम क्या बोलती है कि क्या पागलपना फैला रखा है,
और अपनी बेटी को संभालो, अपने अपना अपना घर देखो, अपनी बेटी को संभालो, अपनी बेटी पे ध्यान दो, छोटा बच्चा है उस पर ध्यान दो। तो मैडम आप नहीं आती हो मेरे घर में मेरे बच्चे को संभालने में, मैं ही संभालती हूँ अपने बच्चे को, तो आप ज्यादा चिंता मत करो मेरे बच्चे की, तो ठीक है। और अगर आप लोगों को इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है ना मेरे वीडियो से, तो मैं नहीं कह रही हूँ कि आप मेरा वीडियो देखो, बिल्कुल भी मत देखो। क्यों आप लोग देखते हो वीडियो, मत देखो, इतनी प्रॉब्लम है। और एक मैडम बोलती है, मतलब वो घटिया तो उन्होंने बोल ही दिया, चलो मैं घटिया हो गई, ठीक है। एक मैडम बोलती है, बाल कितने हिलाती हो, मेरी आदत है, मैं जब कैमरा देखती हूँ तो मुझे लगता है मैं अपने बाल देखूं, सवारूं, आपको क्या प्रॉब्लम है, मुझे लगता है मुझे अच्छे लगते हैं अपने बाल, इसलिए मैं बार बार ऐसे उन्हें सहलाती रहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और एक मैडम लिखती है कि हाँ, खुद की शक्ल देखो बंदरिया जैसी लगती हो। तो अच्छा, थैंक यू सो मच, आपने मुझे ये कॉम्प्लीमेंट दिया, आप तो फिर बिल्कुल कैटरीना कैफ जैसी लगती होंगी ना, काश मैं आपको देख पाती। प्लीज आप अपना फोटो लगा लेना, अपना जो आइकन है ना उस पर फोटो लगा लेना, मैं भी देखना चाहती हूँ, आप तो कैटरीना कैफ जैसी लगती हो। मतलब यार हद है, समझ में नहीं आता, आप एक खुद एक लड़की होके एक किसी दूसरी लेडी को, किसी लड़की को इस तरह से बोल देते हो, यार आप लोगों को एक बार भी ये नहीं लगता है कि नहीं हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। सामने वाला बंदा एक वीडियो बनाता है, मतलब आप लोगों ने बस मेरे एक वीडियो से मुझे जज कर लिया, क्योंकि मैंने वो किसी और के लिए बनाया था, और क्या कह दिया, मैं तो व्यूज पाने के लिए ये सब कर रही हूँ, बट आप, वो मेरी पसंद है, मैं उनको पसंद करती हूँ, ठीक है। जिसके बारे में जो समझ गया वो देखो, आप उनके चैनल पे जाके उनके वीडियोस देखो, उनके हर वीडियोस को मैं देखती हूँ, पूरा देखती हूँ, क्योंकि वो मुझे अच्छी लगती हैं और वो मैं उनको कमेंट करती हूँ, ठीक है। लेकिन आपकी जो सोच है ना, मैं उसे नहीं बदल सकती, क्योंकि जो जिसे नेगेटिविटी फैलानी है, जिसके माइंड में भूसा भरा हुआ है, दिमाग नहीं है ना, तो वो नेगेटिविटी फैलाएगा ही। कुछ महान लोग आएंगे ना, वो इस वीडियो को भी देख के नेगेटिविटी फैलाएंगे और क्या बोलेंगे, व्यूज पाने के लिए एक और वीडियो बना दिया। तो आप लोगों को जो सोचना है सोचो, मैं कुछ कर नहीं सकती है, जब माइंड में ही नेगेटिविटी भरी है, कितनी इतनी नेगेटिविटी यार आप लोग लाते कहां से हो, मतलब कुआं खोद रखा है क्या आप लोगों ने कहीं पे। और सबसे मत, बस मुझे इस चीज का बहुत अफसोस होता है यार लोगों से, कि हम छोटे यूट्यूबर हैं, ठीक है, हमारा मान लो चैनल भी मोनेटाइज नहीं हुआ, बट हमें भी तो बड़े यूट्यूबर हैं, हम भी तो यूट्यूबर्स को पसंद करते हैं, हमारी पसंद है, हमने उनके खिलाफ कुछ देखा, अगर हमने उनके खिलाफ कुछ बोल दिया तो वो आप लोगों को ये लगने लगा कि हम व्यूज पाने के लिए करने लगे, क्यों हमारे अंदर इमोशंस नहीं है, हमें बुरा नहीं लगता। बड़े यूट्यूबर्स ने अगर उस दूसरे बड़े यूट्यूबर के लिए कुछ बोल दिया तो वो चीज सही है, हाँ दी आप एकदम सही बोल रही हो, बट हमने कुछ बोल दिया तो वो गलत है। तो प्लीज आप ये नेगेटिविटी मेरे वीडियो पे मतलब फैलाना प्लीज बंद कर दो। पहले मैंने सोचा चलो कमेंट बॉक्स डिसेबल कर दी हूं, बट अब मैंने ऑन कर दिया। आपको जितनी नेगेटिविटी फैलानी हो ना उस वीडियो पे, और कुछ ऐसे महान लोग, ऐसे ऐसे महान लोग जिसके लिए वीडियो बनाया था मैंने, वो लोग उस उनको पसंद करते हैं, वो भी पसंद करते हैं, बट वीडियो देखेंगे नहीं कि वीडियो के अंदर क्या है, क्या मैं बोल रही हूँ, अच्छा बोल रही हूँ, बुरा बोल रही हूँ, सपोर्ट में बोल रही हूँ, अगेंस्ट बोल रही हूँ, कोई मतलब नहीं। टाइटल पढ़ा, आप प्लीज उनके बारे में ऐसे मत बोलो, वो है ही इतनी खूबसूरत, क्यों आप जल रही हो। तो मैडम मैं जल नहीं रही हूँ किसी से, मुझे भी वो बहुत पसंद है, पर आप लोग एटलीस्ट वीडियो तो पूरा देखा करो, कि वीडियो के अंदर झांक के तो देखो पहले कि मैं क्या बोल रही हूँ वीडियो में, वो सब आपको नहीं देखना है ना। और कुछ लोग आ जाएंगे, छोटी सोच वाले लोग, वो इस वीडियो में भी आके नेगेटिविटी फैलाने लगेंगे, तो मेरी भैया उन लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि मेरे वीडियोस पे नेगेटिविटी मत फैलाओ। मुझे थोड़ी आदत लगेगी, मतलब मुझे थोड़ा, अभी तक क्या है ना कि अब तक मैं वीडियोस जितनी भी डालती थी अभी तक कोई भी नेगेटिविटी मेरे वीडियोस पे नहीं आई, बस एक वीडियो पे आप लोगों ने इतना भर भर के नेगेटिविटी फैलाई कि मतलब मैं फ्रस्ट्रेट हो रही थी बहुत ज्यादा, और जो मेरे अंदर की फ्रस्ट्रेशन थी ना, तो मुझे बस ये लग रहा था मैं निकाल दू। तो इस वीडियो में मैं उसको बस निकालने के लिए, आप लोगों को जवाब देने के लिए आ गई। और इस वीडियो में आओगे ना नेगेटिविटी फैलाने,
तो फिर वो सही नहीं है। आप लोग अपनी सोच बदलो और ये बड़े छोटे यूट्यूबर का जो आप भेदभाव पार्शियलिटी करते हो ना, इसको बंद करो। मतलब बड़ा यूट्यूबर बना रहा है किसी बड़े यूट्यूबर के लिए वीडियो, वो सही कर रहा है, बट हम छोटे यूट्यूबर ने बना दिया तो वो गलत है। तो सबसे पहले आप लोग अपनी सोच बदलो। सभी यूट्यूबर मेहनत करते हैं, चाहे वो बड़ा हो या फिर छोटा हो, मेहनत सब करते हैं, लेकिन आपको क्या है ना, मेहनत दिखती नहीं है, कुछ नहीं दिखता आप लोगों को। आपका एक बैड कमेंट पता है आप लोगों को मतलब कितना, मुझे नहीं पता क्योंकि मुझे अभी आदत नहीं है। शायद और बड़े यूट्यूबर हैं, उन्हें भी नेगेटिव कमेंट मिलते हैं, उन्हें अब शायद वो मेंटली स्ट्रांग हो गए, बट मैं मेंटली स्ट्रांग अभी नहीं हो पाई, मुझे भी टाइम लगेगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, शायद हो सकता है कि मुझे ऐसी भर भर के नेगेटिविटी मिलेगी, तभी मैं मेंटली स्ट्रांग होंगी। तो कोई बात नहीं, इस वीडियो में अभी मैं चलो थोड़े थोड़े बाल हिला देती हूँ। जिनको प्रॉब्लम है ना मेरे बालों से, मुझे अपने बाल बहुत ज्यादा पसंद है, ठीक है ना। और जिसको जो करना हो, जितने कमेंट करना हो, चाहे वो उस वीडियो में चाहे इस वीडियो में, कर लो। अब एक चीज तो और क्लियर हो गई कि आपकी जो नेगेटिविटी है ना, आपने जो भर भर के नेगेटिव कमेंट किए ना, उसने मुझे अब और स्ट्रांग बना दिया। तो अब मैं और अच्छे वीडियोस बनाऊंगी, और आप लोगों की जलेगी तो आप लोगों को जलाऊंगी। और रही बात जिसके लिए मैंने वीडियो बनाया था, तो वो मेरी फेवरेट थी, फेवरेट है और हमेशा फेवरेट रहेंगी, मेरा उनसे अटैचमेंट है तो वो हमेशा रहेगा, ठीक है ना। पहले वीडियो देख लिया करो, हर चीज को ये मत सोचा करो कि सिर्फ व्यूज पाने के लिए हम लोग ये सब कर रहे हैं, ठीक है। सब लोग अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहते हैं, और किसी यूट्यूब पे ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है कि आप किसी दूसरे के लिए बोल नहीं सकते, किसी दूसरे यूट्यूबर के बारे में आप बात नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। तो मुझे बताना था, अपना ओपिनियन रखना था आप लोगों को, तो मैंने रख दिया, बट बदले में रिटर्न गिफ्ट में आपके जो भर भर के नेगेटिव कमेंट मिले ना, तो मूड को तो एकदम चेंज ही कर दिया। चलो बट खैर कोई बात नहीं। तो अब मैं ज्यादा बात आप लोगों से करना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे पता है अब इस वीडियो में भी कुछ लोगों के भर भर के नेगेटिव कमेंट आएंगे, तो चलो उनका भी वेलकम है। और जो मुझे प्यार करने वाले हैं, सपोर्ट करने वाले हैं, तो उनका तो हमेशा ही मेरे चैनल पे उनका हमेशा हमेशा के लिए वेलकम है। तो जो प्यार करने वाले हैं, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है जो प्यार नहीं करते हैं, जिन्हें मैं पसंद नहीं हूं, वो ऑब्वियसली इसको डिसलाइक करेंगे। तो बस ये वीडियो मेरे सपोर्टर्स के लिए, मुझे प्यार करने वालों के लिए भी, और जो लोग मुझे हेट करते हैं, सिर्फ जिन्होंने मुझे एक वीडियो से जज कर लिया, ये उनके लिए भी। एटलीस्ट मेरे बाकी के वीडियोस भी तो देखो आप, सिर्फ एक वीडियो में मैंने किसी के लिए बोल दिया, उससे आप लोगों ने मुझे जज कर लिया, और जो बाकी वीडियोस में मैं मेहनत करती हूँ, रात रात में वीडियोस बनाती हूँ, वो आप लोगों को नहीं दिखाई देता, और दिखाई भी देगा ना तो उसमें भी आप लोग नेगेटिव कमेंट ही करोगे, उसमें भी कुछ नेगेटिविटी निकाल लोगे, क्योंकि हो सकता है आपके माइंड में ना नेगेटिविटी ही भरी है। अब मैं बहुत ज्यादा बात नहीं कर